पिछले एक दो सालों में कि धर्म ग्रंथों को गलत कहा जा रहा है एक दूसरे के, और ये नफरत पैदा की जा रही है किसी के द्वारा, और गवर्नमेंट इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि ये लिखा है बाइबल के अंदर कि आपको उस चीज़ का कंडम करना होगा कि जो चमत्कार दिखाते हैं, जादूगरी दिखाते हैं, वो चीज़ कहीं पर भी पाक नहीं है, पवित्र नहीं है। जो मशरूम्स की तरह जो फेक प्रीस्ट्स और सो कॉल्ड चर्चेस या सोसाइटीज़ या एनजीओस चल रहे हैं, जो कन्वर्जन कर रहे हैं या बेअद भी किसी भी धर्म की कर रहे हैं, चाहे वो सिख समाज हो या हिंदू धर्म हो या कोई और धर्म हो, तो उसको हमें रोकना है। और ये बहुत संगीन क्राइम है जो कि चर्चेस के नाम पे हो रहा है। जो इलीगल चर्चेस हैं वो बंद किए जाएं। दीज आर द क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट देम। एंड वी हैव गिवन ऑलरेडी सो मेनी कंप्लेंट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेवरल पुलिस स्टेशंस अगेंस्ट दीज फेक पीपल, दोज हु क्लेम देमसेल्व्स एज प्रीस्ट एंड बिशप्स and they call themselves prophets. जी, ये सारा का सारा illegal है। चर्च कभी किसी को forcefully conversion के लिए appreciate नहीं करता है। अगर आपके साथ आकर के कोई बैठना चाहता है, आपको समझना चाहता है, तो वो welcome है। पर कोई आप ज़बरदस्ती किसी को डिसग्रेस करके, किसी के रिलीजन के बारे में गलत भड़का करके आप ये काम करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्रिश्चियन डजंट बिलीव इन मिरेकल्स। चमत्कार नहीं होते हैं। आपका विश्वास आपको बदलता है, आपका विश्वास आपको ठीक करता है। अगर आपका परम परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर में आपका विश्वास है, तो वो आपको ठीक करेगा किसी भी बीमारी से, क्योंकि हम दवा भी करते हैं और दुआ भी करते हैं। मतलब ये तो कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि हम दवा ना करें और सिर्फ चले जाएं किसी बाबा के पास में या प्रीस्ट के पास में कि जी पादरी साहब आप हमें ठीक कर दो, तो वो नहीं होगा ऐसे। क्योंकि सिख और क्रिश्चियंस एक ही चीज़ को मानते हैं, वो है शब्द। एक ओमकार जो है वो शब्द है, शब्द को हम लोग मानते हैं, हम भी शब्द को मानते हैं, होली वर्ड को मानते हैं। क्रिश्चियंस ने इतने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, उनमें मदर टेरेसा थे, मदर टेरेसा ने हॉस्पिटल्स बनाए, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप क्रिश्चियन बनो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हेल्प की है लोगों की। सिख परिवार है जो दोबारा वापस सिख धर्म में आ गया ईसाई बनने के बाद, उन्होंने ये बोला है कि हमें लालच दिया गया था, हम तो ईसाई बने थे, अब वापस आ गए। इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगी एंड अपील करूँगी कि वो इसके लिए एक्शन ले, क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट के पार्ट पर बहुत गलत हो रहा है अगर वो इसको रोक नहीं रही है आफ्टर सो मेनी कंप्लेंट्स एंड एप्लीकेशंस आल्सो। वो भी गलत है कि इस तरह की जो फीस है वो एक एनजीओ तो कर सकती है, क्योंकि एनजीओस इस तरह के काम करने के लिए बनी होती हैं कि वो किसी गरीब की मदद कर सकें। पर किसी को हेल्प के नाते अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो गलत है। जी, आज हम लोग सिख समाज और क्रिश्चियन चर्च की तरफ से, एंग्लिकन चर्च की तरफ से, हम लोग एक बड़ी संगीन समस्या जो इस पंजाब में आ रही है कि धर्म ग्रंथ जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं उनकी बेअदबी लोग कर रहे हैं कहीं पर, और अगर वो क्रिश्चियनिटी के नाम से हो रही है तो हम उसको कंडेम कर रहे हैं यहाँ। और उसके लिए हम लोग कई कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं कि इस चीज़ को कंडेम करने के लिए, और जो मशरूम्स की तरह जो फेक प्रीस्ट्स और सो कॉल्ड चर्चेस या सोसाइटीज़ या एनजीओस चल रहे हैं, जो कन्वर्जन कर रहे हैं या बेअद भी किसी भी धर्म की कर रहे हैं, चाहे वो सिख समाज हो या हिंदू धर्म हो या कोई और धर्म हो, तो उसको हमें रोकना है। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये एक ज्ञापन देंगे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके कि इस एक ऑफेंस को, जो क्राइम है, वो रोकें। और ये बहुत संगीन क्राइम है जो कि चर्चेस के नाम पे हो रहा है जगह जगह। जो इलीगल चर्चेस हैं वो बंद किए जाएं, और एक जो लीगल चर्चेस हैं जिसमें एंग्लिकन चर्च, रोमन कैथलिक चर्च और स्कॉटलैंड चर्च, ये तीन चर्चेस इंडियन चर्च एक्ट
या क्रिश्चियन लॉ में आते हैं, ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये तीन ही चर्च जो हैं वो चल सकते हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्चेस और जितने भी प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं, दे शुड कम अंडर द अम्ब्रेलाशिप ऑफ एंग्लिकन चर्च। दे शुड नॉट गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन कैनन एंड रूल्स एंड डिसग्रेस द क्रिश्चियन लॉ एंड द क्रिश्चियनिटी, सेइंग दैट दे आर क्रिश्चियन। दे आर नॉट अलाउड टू डिसग्रेस एनी रिलीजन, वेदर इट इज क्रिश्चियन, वेदर इट इज सिखिज्म और हिंदूज। दे आर नॉट ऑथराइज टू कंडेम एनी रिलीजन और डिसग्रेस एनी रिलीजन। सो आई टूडे आई बींग सेक्रेटरी ऑफ द चर्च कंडेम दोज फेक ग्रुप्स और चर्चेज और प्रीस्ट और पास्टर्स और प्रोफिट्स, वॉट एवर दे से देमसेल्व्स, दे आर सो कॉल्ड एंड वी डू नॉट अप्रिशिएट एंड लीगलाइज देम। सो दे शुड स्टॉप इमिडिएटली देयर इलीगल वर्क, एंड दीज आर द क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट देम। एंड वी हैव गिवन ऑलरेडी सो मैनी कंप्लेंट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेवरल पुलिस स्टेशन अगेंस्ट दीज फेक पीपल, दोज हु क्लेम देमसेल्व्स एज प्रीस्ट एंड बिशप्स एंड दे कॉल देमसेल्व्स प्रोफेट्स। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अस एंड ऑल ऑफ यू टू कम टूगेदर to fight this with the government to take action. जो कन्वर्शन की बात हो रही है पंजाब में, खासतौर पर राजा रीजन जो पंजाब का है, जो आप कह रहे हो ये सारा इलीगल है, इसका क्रिश्चियनिटी के साथ कुछ जी ये सारा का सारा इलीगल है। चर्च कभी किसी को फोर्सफुली कन्वर्जन के लिए अप्रिशिएट नहीं करता है, जो कि आप बाइबल में भी देखेंगे कि फोर्सफुली किसी को अपने साथ में बिठाना भी गलत है। अगर आपके साथ आकर के कोई बैठना चाहता है, आपको समझना चाहता है, तो वो वेलकम है, पर कोई आप ज़बरदस्ती किसी को डिसग्रेस करके, किसी के रिलीजन के बारे में गलत भड़का करके आप ये काम करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। कुछ सिख परिवार हैं जो दोबारा वापस सिख धर्म में आ गए ईसाई बनने के बाद, उन्होंने ये बोला है कि हमें लालच दिया गया था, हम तो ईसाई बने थे, अब वापस आ गए। इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी एंड अपील करूंगी कि वो इसके लिए एक्शन ले, क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट के पार्ट पर बहुत गलत हो रहा है अगर वो इसको रोक नहीं रही है आफ्टर सो मेनी कंप्लेंट्स एंड एप्लीकेशंस आल्सो। एक चीज और बताइए कि आप तो कह रहे कि फोर्सफुल कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, लेकिन अलोरमेंट्स नहीं जा रही हैं बच्चों की, वो भी गलत है कि इस तरह की जो फीस है वो एक एनजीओ तो कर सकती है, क्योंकि एनजीओज इस तरह के काम करने के लिए बनी होती हैं कि वो किसी गरीब की मदद कर सकें, पर किसी को हेल्प के नाते अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो गलत है। थोड़ा सा यही बताइए कि क्रिश्चियनिटी में जैसे पास्टर जिनकी बात आप कर रहे हो, ये मिरेकुलसली लोगों की डिजीजेस ठीक करने की, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्रिश्चियन डजंट बिलीव इन मिरेकल्स। करामात और चमत्कार की बात भी, चमत्कार नहीं होते हैं, आपका विश्वास आपको बदलता है, आपका विश्वास आपको ठीक करता है। अगर आपका परम परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर में आपका विश्वास है तो वो आपको ठीक करेगा किसी भी बीमारी से, क्योंकि हम दवा भी करते हैं और दुआ भी करते हैं, तो दोनों ही चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। हमारा विश्वास हमें ठीक करता है मेंटली और सोलफुली, और हमें दवाई ठीक करती है डॉक्टर की। मतलब ये तो कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि हम दवा ना करें और सिर्फ चले जाएं किसी बाबा के पास में या प्रीस्ट के पास में कि जी पादी साहब आप हमें ठीक कर दो, तो वो नहीं होगा ऐसे जब तक कि आप उसको दवा नहीं करेंगे। हमने ऑलरेडी FIRs फाइल की हुई हैं थानों में, डिफरेंट थानों में FIRs गई हुई हैं 2016 से। PMO में हमने लिखा है, माइनॉरिटी कमीशन में हमने लिखा हुआ है इनके खिलाफ, लिस्ट ऑफ पीपल हमने दिए हुए हैं। आज भी मैंने अपने सर को दिया है वो पूरा लिस्ट ऑफ पीपल, दोज हु आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो हम चाहेंगे कि हम लोग इसके लिए एक बड़ी आवाज़ में और बड़े ज़ोर से इस चीज़ के लिए कंडेम करें और इसके लिए एक्शन करवाएं गवर्नमेंट से मिल करके।
मतलब कौन लोग इसके पीछे जो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब कर रहे हैं? कम्युनल हार्मनी नहीं है ये, हमारी जो इंडिया की जो डेमोग्राफी है उसको खराब करने की कोशिश हो रही है। अब ये तो आई कांट नेम एंड आई कांट से दैट कि मैं किसी का नाम ले लूँ, एक कंट्री का नाम ले लूँ या एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लूँ। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी हमें सपोर्ट करे कि हम उस चीज़ को उजागर कर सकें उनके सामने। तो ये भी आवाज़ आ रही है कि क्रिश्चियंस आर आल्सो इन माइनॉरिटी एंड सिक्स आर आल्सो इन माइनॉरिटी, और दोनों को लड़ाने की बात भी लोग कह रहे हैं कि शायद कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो दोनों को यूनिटी हो सकता है, हो सकता है। इट्स मतलब हम इस पॉसिबिलिटी को नहीं डिनाई करते हैं क्योंकि सिख और क्रिश्चियंस एक ही चीज़ को मानते हैं, वो है शब्द। एक ओमकार जो है वो शब्द है, शब्द को हम लोग मानते हैं, हम भी शब्द को मानते हैं, होली वर्ड को मानते हैं। तो जब हम होली वर्ड को आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं तो हम एक ही चीज़ को मान रहे हैं, तो हम उस चीज़ को कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं जिसको कि हम खुद मान रहे हैं? हम शब्द की कैसे डिसग्रेस कर सकते हैं? लेकिन वो एक लक मैसेज दे रहे हैं चमत्कार से ठीक करने का, मेरा पहले भी सवाल देखा होर्डिंग चमत्कार से इतने बड़े-बड़े होर्डिंग वीडियोस आती है ऐसे एक हाथ लगा परमेश्वर है। परमेश्वर करता है चमत्कार लेकिन कोई व्यक्ति विशेष ऑन द स्पॉट ठीक होना जैसे वो बता रहे हैं वो कितना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप दवा नहीं करेंगे किसी चीज की आप ठीक नहीं होंगे, आप हॉस्पिटल जाइए। क्रिश्चियंस ने इतने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, उनमें मदर टेरेसा थे, मदर टेरेसा ने हॉस्पिटल्स बनाए, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप क्रिश्चियन बनो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हेल्प की है लोगों की। वही बात बोल रहा मैम, ये सिर्फ हम देखते हैं कि जो है उसको डिनाई करती है या फिर प्रोटेस्टेंट्स जो है ऑल प्रोटेस्टेंट्स शुड कम अंडर द अम्ब्रेला शिप ऑफ एंग्लिकन चर्च बिकॉज दैट इज द ओनली लीगल चर्च इन दिस इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली एक्सेप्ट एंड legalize Anglican Church. I have given the Indian Church Act as well as the Christian law. It is written very clearly in that Indian churches are Protestant churches, are Anglican churches, which are two churches. One is Roman Catholic Church. Roman Catholic Church is also legal and they are free to pray here and preach there here, prophet there here. In India and same as Anglican Church, but not to condemn any religion. They should stick to their religion. They are not authorized to disgrace any other religion. क्या लेडी प्रचार कर सकती है जैसे इंडिया में हो रहा है? देखिए, लेडी प्रचार कर सकती है, ऐसा कहीं मनाही भी नहीं है, पर यह हर एक इंडिविजुअल के ऊपर है कि आप प्रचार करें या नहीं करें। पर प्रचार किस लिए करना है? आपको किसी की बुराई करनी है तो वो प्रचार नहीं होता है। किसी भी रिलीजन की बुराई करना इज नॉट प्रचार। प्रचार जहाँ आएगा तो किसी की आपको मानवता की भलाई के लिए होगा या किसी की किसी भगवान की या किसी परमेश्वर की आराधना के लिए प्रचार होता है। हम किसी अपने ईश्वर की कोई भी भगवान को हम मान रहे हैं उसकी उसके बारे में हम बताएं, पर हम किसी भगवान को बुरा कहें ये हमें हक हमारी गवर्नमेंट भी नहीं देती है, हमारी बाइबल भी नहीं देती है। कोई व्यक्ति अपने साथ नाम के साथ पैगंबर शब्द यूज कर सकता है जैसे पंजाब में हो रहा है? नहीं, पैगंबर शब्द नहीं यूज किया जा सकता। इसके लिए एक कानून बना हुआ है इंडियन चर्च एक्ट। दुर्भाग्यवश जो है दुर्भाग्यवश ऐसा हो रहा है, लेकिन जो स्क्रिप्टेड ये सब स्क्रिप्टेड है, कोई ना कोई इसके पीछे बड़ा हाथ है जो हमारे इस कम्युनिटीज को कम्युनल बना करके फूट डलवा रहा है या इसको ख़राब करना चाह रहा है। यहाँ पर जो पीस और हार्मनी हमारे बीच में है पंजाब में, उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो इसे हीलिंग हाथ लगा के बिल्कुल ठीक कर देते हैं, मैं पास्टर में ठीक है, ऐसा कुछ है? ये सब चीज़ें देखिए बहुत बड़ा फेथ का इशू है। अगर आप इस चीज़ को फेथ करके आप समझिएगा कि मैं अगर यहाँ बैठी हूँ और मैं चाहूँ कि मैं यहाँ ठीक हो सकती हूँ, आप मेरे ऊपर हाथ रख दें और मैं ठीक हो जाऊँ तो शायद मैं ठीक हो जाऊँगी, ये मेरा विश्वास है। समझ रहे हैं? मैं आपसे बोल सकती हूँ कि आप मेरे ऊपर हाथ रख दें तो हो सकता है मेरा विश्वास मुझे, पर ये कोई किसी और का चमत्कार नहीं है, ये मेरा विश्वास है। और चमत्कार की वो सिखी या क्रिश्चियनिटी में बड़ी है, बट सिखी जम में भी है। आने वाले दिनों में कोई और कार्डिनल्स या सीनियर जो हायरार्की में है बिशप तक जो ऐसी बात आगे आकर ये कह सकते हैं कंडेम करें इन चीज़ों को, क्योंकि बड़ा हमारे बिशप साहब इस चीज़ को कंडेम करेंगे, बिशप जॉन आशीष।
हमारे बिशप साहब हैं, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नरी बिशप जॉन आशीष, और मेट्रोपॉलिटन जो हमारे एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया के हैं उनको रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, और आपको बताएंगे कि हमारे इस एंग्लिकन चर्च में इन चीज़ों को रिलीजियसली बड़ा, इसका एक बहुत बड़ा इशू, मतलब एक बड़ा बहुत बड़ा विषय है, चमत्कार करना या चमत्कार होना एक बड़ा इशू है कि हम किस चीज़ को कैसे लेते हैं, यह एक इंडिविजुअल के हाथ में। सबसे पहले तो यही बताइए कि जो कन्वर्जन हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है, पंजाब में खास तौर पर। कन्वर्जन एक्चुअली चर्च नहीं करता, ये जितने भी कन्वर्जन हो रहे हैं ये पर्सनल लोग हैं जो अपनी पर्सनल सोसाइटीज़ बना के ये काम कर रहे हैं, वो नाम क्रिश्चियनिटी का लेते हैं लेकिन उसका कोई लेन देन क्रिश्चियनिटी से नहीं है। They are not churches. नहीं, चर्च नहीं करता, लेकिन अगर क्रिश्चियनिटी के नाम पर हो रहा है तो ये तो आप, यू पीपल शुड बी अवेयर अबाउट इट एंड लीगल एक्शन। हम लोगों ने तो सारे एक्शन ले रखे हैं लेकिन अब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि पंजाब में ऐसी कोई मुहिम देखी गई। बार-बार क्रूसेड, यू नो पंजाबी साडे धर्म युद्ध कहंदे कि क्रिश्चियनिटी दे विच ये शब्द ले दे कोई जगह है कि क्रूसेड दे लिए ये डिफाइन कर क्रिश्चियनिटी में है। क्या होता है कि डायरेक्टली हम किसी के लिए कुछ बोल नहीं सकते हैं, हम लोग सीधे सीधे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये बंदा गलत कर रहा है ना। अब ये होता है कि आपकी एक सोसाइटी है, आप उसमें क्या काम कर रहे हो, अगर गलत काम कर रहे हो तो वो गवर्नमेंट का पूरा अधिकार होता है कि उस सोसाइटी को आप रोकें, उसके जवाब लें, उसको बंद करें। उन चीज़ों के लिए हमारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी चल रही हैं। वो होनी नहीं चाहिए इस तरह की फंडिंग को गवर्नमेंट ने, हमने उसको लिख करके गवर्नमेंट से बोला भी है कि इस फंडिंग को रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये सब बहुत इलीगल फंडिंग हो रही है और इसके जरिए बहुत सारे इलीगल काम हो रहे हैं, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कई बार ज्ञापन देने के बाद बींग आई मधुलिका जॉयस सेवरल टाइम्स होम मिनिस्ट्री एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में मैंने अपनी कंप्लेंट्स लिखी हैं। आई कैन गिव द कॉपीज ऑफ दोज एप्लीकेशंस एंड कंप्लेंट्स दैट दीज दीज पीपल जस्ट गैदरिंग द मास नथिंग एल्स, और उस मास को इकट्ठा करके वो क्या कराना चाहते हैं, क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट या हमारे देश के खिलाफ, इसके लिए गवर्नमेंट को जागना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि गवर्नमेंट इस समय सिर्फ एक मूक दर्शक की तरह बैठी है, जबकि इतनी कंप्लेंट्स होने के बाद भी अब आप लोग भी इस चीज़ को बोलने लगे हैं, जबकि क्रिश्चियंस और सिक्स कभी अलगाव के उसमें आए ही नहीं, कभी धर्म ग्रंथों को एक दूसरे की कभी कंडेम नहीं किया गया, पर ये हो रहा है, इसका मतलब रहते हैं। जबकि ऐसा आज पहली बार देखा जा रहा है, ये समय आया है पिछले एक दो सालों में कि धर्म ग्रंथों को गलत कहा जा रहा है एक दूसरे के, और ये नफरत पैदा की जा रही है किसी के द्वारा, और गवर्नमेंट इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है, मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ एक्शन ले। एक सवाल था कि जैसे हम देखते हैं क्रिश्चियंस के हॉस्पिटल हैं और कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, मिशन हॉस्पिटल, लेकिन ये जो गांव में जाकर कर रहे हैं उसका ना तो कोई एजुकेशन से संबंध है, जो ड्रामा कर रहे हैं और हाथ लगाकर कैंसर ठीक कर रहे हैं और इसको ये बोल रहे हैं क्रूसेड। मैं बता देती हूँ, उसके लिए हमारे बाइबल में लिखा हुआ है कि बहुत बहुत ऐसे लोग आएंगे
बहरूपी होंगे जो कि कहेंगे कि मैं प्रॉफेट हूँ या मैं सेंट हूँ, और उस समय हम क्रिश्चियंस को इस चीज़ को बहुत ज़ोर से आवाज़ उठानी पड़ेगी। लिखा है बाइबल में, मैं आपको बाइबल दिखाऊंगी, बाइबल में पढ़ाऊंगी कि कहाँ लिखा है कि मेरे नाम से लोग आकर के कहेंगे कि ये चमत्कार हम कर रहे हैं, हम ही यीशु मसीह हैं, हम ही क्राइस्ट हैं। आप उस समय भटकिएगा नहीं, ये लिखा है बाइबल के अंदर कि आपको उस चीज़ का कंडम करना होगा कि जो चमत्कार दिखाते हैं, जादूगरी दिखाते हैं, वो चीज़ कहीं पर भी पाक नहीं है, पवित्र नहीं है। जहाँ जादू आ गया तो वो जादू आ गया, जादू इज सैटेनिक फ्रॉम आर पार्ट, इट्स नॉट एट ऑल अप्रूव्ड, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी जादूगरी। चाहिए, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी सबों से कि हमें इस समय बड़े प्यार से इस चीज़ को समझना होगा, और ये प्रॉब्लम हमारे इस देश में आई है उसको सॉल्व करें हम लोग सब लोग मिलकर। जो कुछ अज वापर रहे हैं ईसाइयत के नाम के उत्ते, जिहड़ा पाखंड या भरमजाल फैलाया जा रहा है, उहदे संबंधी असी जानकारी लैण वास्ते एंगलिकन चर्च ते दूसरियां जिहड़ियां चर्चेस ने उन्हां नाल भी जिहड़ा संपर्क साधिया, और कोशिश कर रहे हैं कि असी वैटिकन तो भी जिहड़ा क्लैरिफिकेशन लईए कि जो कुछ पंजाब दे विच ये मैं नकली पास्टर कहा सी लेकिन मैडम ने सो कॉल्ड पास्टर कहा, कि जो सो कॉल्ड पास्टर पंजाब की धरती के उत्ते कर रहे हैं कि ये सही कर रहे या गलत कर रहे। एक शब्द क्रूसेड वरतिया जा रहा इन्हां वल्लों श्री अमृतसर साहब की धरती ते, मोगे की धरती ते, जिहदा मतलब हुंदा धर्म युद्ध, एक किस खिलाफ धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं या पंजाब की धरती के उत्ते सिखां के खिलाफ लड़ रहे हैं या हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, इन्हों क्लीयर करना चाहिए। 1095 के क्रूसेड होया वैसटर्न यूरोप के 60-70 लाख लोग मारे गए, 1291 तो 1578 के दरम्यान भी जिहड़े क्रूसेड हुए। लेकिन ये जिहड़े सो कॉल्ड पास्टर है एक किस किस्म का क्रूसेड चाहते हैं पंजाब की धरती के उत्ते, और वह भी श्री अमृतसर साहब की धरती के उत्ते, ये साढ़े लिए बहुत चिंता का विषय है इस क्रूसेड शब्द को वरतना, और भारत सरकार लिए भी ये शब्द जिहड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन मैं लगता है कि भारत सरकार शायद चिंतित नहीं है इन्हों वालों वरते क्रूसेड शब्द को लैके। अज एंगलिकन चर्च के बिशप जिहड़े इत्थे आए हैं असीं इन्हां नूं जिहड़ियां जानकारियां दित्तियां ने विद फैक्ट, तथ रहित जानकारियां नहीं दित्तियां, साढ़े वीर आए हैं उन्होंने जानकारियां दित्तियां। एक तो जिहड़े सो कॉल्ड पास्टर है पिंडां दे विच पंजाबी भाषा नालों तोड़ रहे, और जिहड़ियां जानकारियां असीं इन्हां नूं दित्तियां ने ये साढ़े वीरां कोल इहदे विद प्रूफ ने, सबूत ने, बच्चों नूं कड़ा प्रसाद की देग लैण तो रोकिया जा रहा। इतों तक लंगर के प्रति नफरत फैलाई जा रही है, सब तो वध गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के पावन सरूपां प्रति जिहड़ा है जां बाणी के प्रति शंके पैदा किए जा रहे। गुटके पोथियां जिहड़ियां सिख परिवारों के घरों के विच है उन्हां नूं शैतान दीआं पोथियां ये लोग कह रहे हैं जिहड़े सो कॉल्ड पास्टर ने। संघा पिंड है तरन तारण दे विच, उत्थे एक व्यक्ति वल्लों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ते गुरु नानक साहिब पातशाह बारे भद्दी शब्दावली वरती, बाद दे विच उन्हें माफ़ी मंगी पास्टर ने, सो कॉल्ड पास्टर ने, और वह माफ़ीनामा जिहड़ा साढ़े वीरां दे कोल है। इसे तरह मजीठे कोल एक पिंड है, उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन सरूप जिहड़े आ छप्पड़ दे विच सुटे गए, जदों उहदी जांच होई तो वो पिछे ये सो कॉल्ड नकली पास्टर वालों जोड़े भरम के गुमराह लेंदे लोग से वह शामिल निकले। इस तरह राम दवाली के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप अगन भेट होए, 7 साल की सज़ा जोड़े दोषी से उन्होंने 7 साल की सज़ा हुई, और वह भी जोड़े इन्ह नकली पास्टर वालों गुमराह किए हुए लोग। इस तरह होर बहुत सारिया घटनावां पंजाब दे विच वरतियां जिन्हां दे पिछे सो कॉल्ड पास्टर वालों जिहड़े गुमराह किए लोग है वह जिहड़े ने पाए गए हैं, विद फैक्ट साढ़े वीरां कोल जिहड़े सारे मौजूद है। इस तरह ही एक
कोई मक्खन नाम का पास्टर है, एक बीबी नैट के उत्ते वीडियो पई है जी कह रही है कि ये नंगिया होकर प्रार्थनावां करन दी जी है सानू वो गल करता सी। और इस तरह जिहड़े हस्पताल है खास तौर के उत्ते श्री अमृतसर साहब के मैटरनिटी हस्पताल है सरकारी, उत्थे इन्हां दे बंदे जांदे ने और जिहड़ियां प्रैगनेंट औरतां हुंदियां उन्हां नूं कहा जांदा है कि तुसीं इत्थों दवा दारू जिहड़ी है वह ना लाओ, तुसीं खांबड़े जिहड़ी है चर्च बणी उत्थे जाओ तुसीं ठीक हो जाओगे। गुमराह फैलाए जा रहे होर बहुत सारिया जिहड़ियां ने घटनावां जिहड़ी जिहड़ियां पंजाब दे विच वरतियां जिन्हां दे पिछे सो कॉल्ड पास्टर जिहड़े आ उह मौजूद सी। पर ये सारे सबूत है, असीं इन्हां दे सामने जिहड़ियां ये सारियां गल्लां रखियां। मैनूं खुशी है इस गल दी कि इन्हां ने ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਂਗਲਿਨ ਚਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। और जिहड़ा मैं बयान दिता सी उहनूं इन्हां ने जिहड़ा है बिल्कुल दुरुस्त सही जिहड़ा है वह कहा है कि हो रही है फंडिंग, सबूत जिहड़े उह कहिंदे साडे कोल है। बॉर्डर स्टेट दे विच बॉर्डर एरिए दे विच ये जिहड़ियां गतिविधियां चल रही हैं कि नफरत भाईचारियां दे विच पैदा करन दा जिहड़ा यतन हो रहा है ईसाईयत दे नाम दे उत्ते, यह बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिथे अज तक कदे भाईचारियां दे विच टकराव नहीं होई, कदे एक भाईचारे ने दूसरे भाईचारे के प्रति खास तौर के उत्ते धार्मिक ग्रंथों के प्रति नफरत का प्रचार नहीं किया, लेकिन ये लोग ये सब कुछ जिहड़ा वो कर रहे हैं। असी बहुत जल्द बाकी जिहड़ी चर्चेस ने उन्हां दे नाल भी जिहड़ा साडा संपर्क है उन्हां दे नाल भी असी बैठांगे। जिस तरह की कैलरीफिकेशन एंगलिंगन चर्च ने दिती है उस तरह की कैलरीफिकेशन असी जिहड़ी है उन्हां तों भी लवांगे और खास तौर पर वैटिकन तो जिहड़ा है असी चिट्ठी पत्र राही जरूर ये चाहांगे उन्हां नूं कि सानूं दस्या जावे कि ये जिहड़े सो कॉल्ड पास्टर पंजाब की धरती के उत्ते कर रहे हैं कि इहदा ईसाईयत नाल संबंध है या नहीं है। जिवें इहनां मैडम ने कहा कि नहीं है, तो जे नहीं है तो सरकार नूं फिर इहनां दे उत्ते कार्रवाई जिहड़ी है वह करनी चाहिए है। तो मैं अज की इस एकत्रता के उत्ते इन्हों वेलकम कहना और साडे जिहड़े वीर आए हैं जिन्हां ने बहुत सारे मसले विद फैक्ट इन्हां दे कोल उठाए है कि पंजाब च की हो रहा है, किवें गुरु साहिबान दे प्रति नफरत ये सो कॉल्ड पास्टर फैला रहे हैं, किवें गुरु ग्रंथ साहिब बारे माड़ा जिहड़ा ये बोल रहे हैं, ये सारे सबूत दिखाए भी ने, इन्हां नूं दे भी दिते ने कि आ देख लो की कर रहे हैं ये सो कॉल्ड पास्टर। तो बहुत अच्छा आने वाले समय के रिजल्ट निकलूगा। पर मैं भारत सरकार को जरूर कहना चाहूँगा कि वो जागण का वेला है, बॉर्डर स्टेट के उत्ते कुछ हो रहा है, नफरती प्रचार हो रहा है बॉर्डर स्टेट के सारा कुछ हो रहा है, इनू रोकण का यतन करे, नहीं तो ये नतीजे जोड़े है वो भारत सरकार ले भी चंगे नहीं निकलने हैं। दूसरी गल देखो, ये बिशप ने इन का एक पहरावा है, अगर इस पहरावे दे विच जो पास्टर बैठे ने अपने एक पहरावे दे विच ईसाईयत का प्रचार करते हैं सानू कोई दिक्कत नहीं, दस्तारा बन के दाड़ियाँ छड़ के ईसाईयत का प्रचार करना जां ईसाईयत के नाम के उत्ते भरम जाल फैलाने पखंड जाल फैलाने इनू बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। इतों तक भी साढ़े को सबूत है कि अगों पिछों ये बिल्कुल पग नहीं बनते, लेकिन जदों इन्होंने पिंडां जाके साडे भोले भाले लोगों को गुमराह करना हुंदा है उदों ये पग बन के जाते हैं, उदों ये दाड़ी खोल के जाते हैं, उदों ये कुर्ता पजामा पा के जाते हैं। तो ये चीज़ा जिहड़ियां ने ये साबित कर दियां ने कि ये चलाकी दे नाल चुस्ती दे नाल सिखां नूं गलत पासे जिहड़ा है वह लाउण दा यतन कर रहे हैं और सिख मनां दे विच साडे धर्म ग्रंथां दे प्रति साडियां मर्यादावां दे प्रति ये लोग नफरत फैला रहे हैं और इन्हां नूं असीं कहा है कि तुसीं खुद ये सो कॉल्ड पास्टरां की मुखालफत करो, असीं इन्हां दे नाल होवांगे। और इन्हां ने सानूं कहा है कि असीं बिल्कुल पहलों भी गवर्नमेंट कोल इन्हां दीआं कंप्लेंट्स दित्तियां ने, कहिंदे ये साढ़े नाल खड़नगे, क्योंकि जिहड़ा कुछ असीं पिछले समय दौरान कह रहे हैं साढ़े वीर प्रचार रहे हैं उही कुछ इन्हां ने जिहड़ा आ के मीटिंग च भी किया और प्रेस के सामने भी जिहड़ा किया कि ये जिहड़ा चमत्कारां दे नां दे उत्ते जिहड़ा ईसाईयत नूं बदनाम करन दा यतन हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, इहनूं बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। ना सिखां वल्लों तां बिल्कुल नहीं किया जाऊगा, इन्हां नूं कहा कि तुहानूं करना चाहिए, कहिंदे साडे वल्लों भी बिल्कुल भी इस चीज़ नूं बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। इहदे लई असीं इहनां दा थैंक्स करदे हां।
देखो एक गल मैं थोड़ा दसना चाहना है कि निंगा सिंह ने विरोध नहीं किया। निंग सिंह अपने रस्ते से जा रही थी, उस पखंड जाल का विरोध पिंड वाले कर रहे थे, पिंड वाले कर रहे थे। निंग सिंह देख के उन्होंने उन्होंने सहयोग मंगया कि ये कुछ पखंड जाल फैला रहे हैं, तो निंग सिंह जिहड़े आ उन्होंने पिंड वालों के नाल जिहड़े आ वो लगे जरूर है। इस करके उन्होंने मुकदमे दर्ज करने जिहड़ा मैं समझदा भी कोई चंगी गल नहीं है, सरकार को वापस लेने चाहिए। मैं बहुत बार कह चुका कि साडा अज यूथ जिनी फीड लै रहा है सोशल मीडिया तो लै रहा है, और सोशल मीडिया के उत्ते 95% जिहड़ी फीड साडे यूथ नूं मिल रही है वो ब्रेन नूं गंधला कर रही है, बर्बाद कर रही है। हर बंदा जिहड़ा है वो सोशल मीडिया के उत्ते डॉक्टर बनिया बैठा है, हर बंदा सोशल मीडिया के उत्ते फिलोसफर बनिया बैठा है, हर बंदा सोशल मीडिया के उत्ते वड्डा पत्रकार बनिया बैठा है, हर बंदा सोशल मीडिया के उत्ते धर्म प्रचारक बनिया बैठा है। तो सोशल मीडिया जिहड़ा है ये एक बहुत वधिया चीज़ है, लेकिन इस नूं मिसयूज़ किया जा रहा है। इहदा चंगे काम लई यूज होना चाहिए, कौम की बेहतरी लई यूज होना चाहिए, कौम दीआं संस्थावां की मजबूती लई इस सोशल मीडिया नूं यूज़ किया जाना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिहड़ा है जिन्हां दे ब्रेन दे विच सोशल मीडिया ने गलत फीड पा दित्ती है, वो इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल साडियां संस्थावां, साडे इंस्टीट्यूशनस, साडे रिचुअल्स, साडे जिहड़े समाज के जिहड़े साडे चंगे रिश्ते है, नैतिकता दे नियम ने, उन्होंने ये गंदला कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे क्योंकि ये जिहड़ा नैशनल सिक्योरिटी का जिहड़ा मसला है वो भारत सरकार दे कोल है। तो इस करके भारत सरकार को असं कहांगा कि ये नैशनल सिक्योरिटी का मसला है, बॉर्डर स्टेट के विच ये लोग नफरत फैला रहे हैं, ये जिहड़े लोग बाहरलियां स्टेटां तो आके पंजाब दे विच रह रहे हैं, जे लोड़ पई तो इन्हां दा इस जमीन दे नाल प्यार नहीं है, भज जाणगे लड़नगे, तो असी साढ़े लोग लड़नगे जिहड़े जमीन तो सदियां तो रह रहे हैं जिन्हां दा जमीन दे नाल प्यार। बिल्कुल बिल्कुल सहरदता की लोड़ है, मेरी इस मसले के उत्ते गल भी हुई है बहुत लंबी चौड़ी सीएम पंजाब दे नाल, उन्होंने बड़ा वधिया जिहड़ा हाँ पक्की हुंगारा भरिया कि जबरी कन्वर्जन जिहड़ा है ये बिल्कुल पंजाब बर्दाश्त नहीं किया। असी कोशिश करांगे कि पंज सिख और पंज असी ईसाई चर्च के जिहड़े वखरे वखरी इन्हां दी चर्चेस ने उन्हां तों असी नुमाइंदे लैके इहनूं असी भारत सरकार दे नाल डायलॉग करन वास्ते भेजिए कि वो इस चीज़ नूं रोकण वास्ते कूड प्रचार जिहड़ा हो रहा है, जां गुरुडम जिहड़ा है ईसाईयत दे नां दे उत्ते जिहड़ा गुरुडम फैल रहा है, जां डेरावाद जिहड़ा ईसाईयत दे नां दे उत्ते फैल रहा है, भारत सरकार वी इहनूं काबू करन दे विच ईसाई और सिख भाईचारे की मदद करे।